हाय दोस्तों, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी होंगे और अपना ध्यान रखें, और क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि देश में कोरोना के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, और अभी देश में सब कुछ बंद करने की होड़ सी लग गई है, और गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर सिटीज को आप कह सकते हैं कि एक पार्शल लॉकडाउन की स्टेट में ले जा रही है। दिल्ली की बात करूँ तो मॉल्स बंद है, जिम्स बंद है, मार्केट्स बंद है, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि भाई बाहर मत निकलो अननेसेसरी। और कल यानी कि संडे को जनता कर्फ्यू भी लगा दिया है, मतलब आज रात से, सैटरडे को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शाम से ही जो है, रात से ही जो है, जनता कर्फ्यू लग जाएगा। ऐसे में गवर्नमेंट कह रही है कि आप बाहर निकलो ही मत अगर आपको काम नहीं है। चलो, मैं तो एक डिजिटल मार्केटिंग से या इंटरनेट के वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, अगर आप मुझे कहोगे कि घर पे काम करो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कह रही है कि घर से बैठ के काम करो, तो मेरे लिए बड़ा आसान है। मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, मैं जो काम अपने ऑफिस में करता हूँ वो घर पर भी कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि हमारे पास बस हमें क्या चाहिए, हमें एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक मोबाइल फोन चाहिए, एक कैमरा चाहिए, यू नो, हमारा काम हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु डोंट हैव एक्सेस ऑफ इंटरनेट, या फिर जो लोग इंटरनेट के बारे में जानते नहीं है इंडिया में? दोस्तों, मैंने जब अभी रिसर्च की ना, तो मुझे पता लगा कि इंडिया में अभी की डेट में 2019 का जो रीसेंट डेटा है हमारे पास, वो ये है कि करीबन 55 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब वो इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में, ठीक है? हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़ से भी ज़्यादा की। तो उस अकॉर्डिंगली मैं अगर नापूं तो यहाँ पे करीबन 80 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज ही नहीं करते, उनको इंटरनेट का आई नहीं पता कि इंटरनेट होता क्या है, तो वो इससे घर पे काम कैसे करेंगे, तो वो आप भी समझ सकते हो। तो उनके लिए क्या दोस्तों, वो कैसे घर पे अपना टाइम बिताएंगे, या उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जैसे जैसे कोरोना या कोविड-19 का इम्पैक्ट बढ़ रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट जो है एक्शंस जो है अपने स्ट्रिक्टली लेती जा रही है। अभी अगर गवर्नमेंट किसी स्टेट को बंद कर रही है, किसी सिटी को बंद कर रही है दोस्तों, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं चल रही, मामला बहुत सीरियस है। ऐसे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जितने केसेस अभी दिखाए जा रहे हैं, अभी करीबन 200 के कुछ केसेस आए रहे हैं, और अभी जो है और एडेड हो रहे हैं, राइट? तो ये जो केसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही है। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल केसेस कितने हैं, राइट? और ऐसे में गवर्नमेंट ये कह रही है कि घर से काम करो। चलो यार, गवर्नमेंट की भी हम बात मानते हैं कि घर से काम करना ही अभी एक सॉल्यूशन नजर आ रहा है, जो हमें प्राइमरीली एक सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम देखते हैं, क्योंकि यू नो, अगर ये चीज इतनी कंटेजियस है, ये बीमारी इतनी कंटेजियस है कि ये एक से दूसरे में फैलती है बहुत जल्दी, तो अभी की डेट में यही एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट को नजर आ रहा है। बट मेरा कंसर्न उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट नहीं जानते, वो कैसे घर पे बैठ के काम करेंगे, उनका खर्चा कैसे चलेगा? हाल ही में कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया है करीबन $22 बिलियन का बजट, जो वो लोगों को देंगे जिनकी कोरोना की वजह से नौकरी जाएगी या फिर उनके बिजनेस को नुकसान होगा। इस कदम का बहुत यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा सराहना मिल रही है इस चीज को, लोग बहुत खुश है इस चीज से कि यार कनाडा के लोगों के लिए मतलब एक प्रोटेक्शन सा जो है वहां की गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, कि अगर हमारी जॉब छूट जाती है, अगर हमें यू नो आप कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस का नुकसान हो रहा है अगर मैं कनाडा में काम करता हूं, तो गवर्नमेंट मुझे हेल्प कर रही है। बट व्हाट अबाउट इंडिया? कनाडा की पॉपुलेशन करीबन 3.5 करोड़ है दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। सो यू कैन इमेजिन कि सबको पैसे देना एक गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो गवर्नमेंट को अभी लेना चाहिए, या फिर इस चीज से सीख के गवर्नमेंट को जो है लेना चाहिए? पहली बात है कि गवर्नमेंट को यहां पे डिजिटल लिटरेसी पे खर्च करना चाहिए। इंडिया में 55 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है बिल्कुल, जो इंटरनेट यूज करते हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर लोग डिजिटली लिटरेट नहीं है। डिजिटली लिटरेट का मतलब कि ज्यादातर लोग कंज्यूम तो करते हैं इंटरनेट को, इंटरनेट पे चीजें तो बहुत देखते हैं। हो सकता है आप सभी को व्हाट्सएप चलाना आता हो, आप सभी को इंटरनेट पे यू नो मूवीज देखना आता हो, यूट्यूब चलाना आता हो, बट आपको इंटरनेट पे क्रिएट कैसे करते हैं वो नहीं आता है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप मुझे पहले से जानते हैं, अगर आप हमारा वीडियो पुराना देख रहे हैं, तो मैं हमेशा यही स्ट्रेस करता हूं कि आपको इंटरनेट से कैसे क्रिएट करना है उस पर फोकस करना चाहिए, इंटरनेट से कैसे आप पैसे कमा सकते हो उस पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों,
सीखने की जरूरत है। अभी की प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों को मैं पूछता हूँ आप इंटरनेट पे क्या करते हो, हाँ जी हम तो मोबाइल चलाते हैं, हम गाने देख लेते हैं, हम यूट्यूब चला लेते हैं, हम यहाँ पे जो है ये सारे काम करते हैं। पर इससे दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है, इससे जो है आप सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह जाओगे। अभी की डेट में गवर्नमेंट को यहाँ पे एजुकेशनल करिकुलम में चेंज लाना चाहिए। 12th तक की बुक्स में आप देख लो इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, इसका कहीं जिक्र नहीं है। इंडिया एक डिजिटली आगे बढ़ रहा है देश में, बट लोगों को ये नहीं पता कि उसका यूज कैसे करना है। तो आप इंटरनेट का क्या फायदा ले रहे हो, आप इंटरनेट का जो पोटेंशियल है उसको फुल यूज ही नहीं कर पा रहे। तो अभी की जरूरत ये है गवर्नमेंट को इससे सीख के एजुकेशनल करिकुलम में चेंज करना चाहिए, ताकि जो है लोग यहाँ पे इंटरनेट के बारे में समझे कि इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मूवीज देखना, यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना। इस पे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो दोस्तों, आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो। और ये सारी चीजें तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि इंटरनेट से कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे इसको यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की जरूरत है दोस्तों आज की डेट में, कि कैसे लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए, ताकि वो इसके पोटेंशियल को समझ पाए। दोस्तों आज की डेट में अगर मैं किसी को कहूंगा कि मैं यहाँ पे YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनेट पे काम करता हूँ अलग अलग, तो जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, उनको शायद ये विश्वास ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं कि यार इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। बट इससे आप महीने के लाखों रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हो, अपना एक ब्रांड बना सकते हो। आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि अगर आप अपनी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप इंटरनेट को जरूर सीखे, डिजिटल मार्केटिंग को जरूर सीखे, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को जरूर सीखे, क्योंकि हर फील्ड में ये आपके काम आने वाली है। चाहे आप फाइनेंस फील्ड में जाओ, चाहे आप आईटी फील्ड में जाओ, चाहे आप यू नो कोई भी फील्ड में हो, ये आपके काम आएगी। चाहे आप अपना बिजनेस करो, छोटा या बड़ा जो भी बिजनेस करते हो, इंटरनेट के बगैर रहोगे तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे, ये सच्चाई है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो करीबन 2.1 trillion dollar है दोस्तों। मतलब अमेरिका जो है 2.1 trillion dollar जो क्रिएट करते हैं वो इंटरनेट से रिलेटेड जो काम होते हैं उससे क्रिएट करते हैं। आप सोच सकते हैं अमेरिका की पॉपुलेशन सिर्फ 35 crore के आसपास है, इंडिया के 135 करोड़ के आसपास है, और आप सोच सकते हैं कि मतलब हमारी जीडीपी जो है वो 2.93 ट्रिलियन के आसपास डोलती रहती है, और वो इतना बड़ा हिस्सा जो है इंटरनेट से क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है लास्ट कुछ सालों में जब से जियो वगैरह आया है, बट अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट होनी बाकी है। आज की डेट में मैं बात करूं तो करीबन 250 बिलियन डॉलर जो है हम क्रिएट करते हैं इंटरनेट इकोनॉमी से, जो कि बहुत कम है हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो सभी लोग इंटरनेट सीखे, मैं स्ट्रिक्टली यही रिकमेंड करता हूं आप लोगों को, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की जरूरत है। इसी नीड को देखते हुए हमने भी एक अपना डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे, अपना एक डिजिटल मार्केटिंग पर बेस्ड अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना पैसा कमा सकते हैं। आप स्कूल जब तक अपना कंप्लीट करते हो आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो, ग्रेजुएशन की डिग्री में हजारों लाखों रुपए आप खर्च करते हो, फिर भी जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमको जॉब मिलती नहीं है या 8-10 हजार रुपए वाली जॉब मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमें पढ़ाते हैं और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है वो दोनों अलग चीजें हैं। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए एक मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, 1000 रुपए में आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करवा सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बात करें। मेरा मकसद ये है कि डिजिटल लिटरेसी को फैलाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे डिजिटल लिटरेट होके इसके पोटेंशियल को जाने दोस्तों। राइट, मोबाइल आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा पोटेंशियल है आप लोगों के लिए अगर आप इसको अच्छे से यूज करो। और दोस्तों लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम तलाश रहे हैं तो इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बार जाके देखना, चेक करना, आपके काम की कोई ना कोई चीज निकल जाएगी, क्योंकि सभी के लिए एक पर्टिकुलर चीज नहीं हो सकती। आप अपने अकॉर्डिंगली हमारे चैनल पर जाके चीजें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होंगी। जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे और अपने आसपास भी जो है सेफ्टी बनाए रखें।